हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी बाइक बोर्ड साथियों का हमारे एसटी न्यूज़ चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अभी अभी 2 मिनट पहले फिर हमें एक लेटेस्ट न्यूज़ मिली है, जिसका मुकड़ा है कोटगांव स्थित बाइक बोर्ड के दफ्तर पर निवेशकों का 4 माह के अनिश्चितकालीन का धरना। जी हाँ दोस्तों, अनिश्चितकालीन का धरना। कोटगांव में स्थित बाइक बोर्ड के दफ्तर पर निवेशकों का 4 माह के लिए अनिश्चितकालीन धरना चलाया जा रहा है। शनिवार को कोटगांव में बाइक बोर्ड कंपनी के दफ्तर के सामने निवेशकों का धरना जारी रहा। लंबे समय से धरने पर होने के बाद पुलिस प्रशासन ने उनकी मांग पूरी नहीं की। इसको लेकर धरने पर बैठे निवेशकों में रोष है, बहुत बड़ा रोष है। आरोप है, कई आरोपी जिसमें 25,000 का इनामी भी अब तक फरार है। जी हाँ दोस्तों, निवेशक मुन्ना वालिया ने बताया कि 1 जून से निवेशक कोटगांव में बाइक बोर्ड कंपनी के दफ्तर के सामने धरने पर बैठे हैं। 2 माह पहले एसआईटी ने राज्य सरकार को लिखित में दिया कि मामला अरबों की ठगी का है। इसमें करीब 58 आरोपियों के नाम बताए गए थे, जिसमें बीएन तिवारी मास्टरमाइंड है। इसके अलावा संजय भाटी और उसके करीबियों की संपत्तियां जब्त करने की भी कार्रवाई नहीं की गई है। संजय भाटी के कई करीबी अभी फरार है। आगे कहते हैं कि नए कानून के तहत हो सके कार्रवाई हो कार्रवाई। जी हाँ दोस्तों, बड़ी कार्रवाई का इन्होंने एक यहाँ पर बताया गया कि निवेशकों को बताया कि केंद्र सरकार ने 13 फरवरी 2019 को चिटफंड कंपनियों द्वारा निवेशकों की रकम हड़पने कानूनी बनाया गया था। इससे मामले में संपत्ति जमा पाबंदी योजना आदि कानून बनाया गया था। इस कानून की तहत बाइक बोर्ड कंपनी के मालिक के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। 13 अक्टूबर को निवेशकों ने कोटगांव स्थित बाइक बोर्ड ऑफिस पर एक बड़ा धरना किया, जिसमें उन्होंने बहुत बड़ा संघर्ष इस वक्त कर रहे हैं। दोस्तों, ये बड़ी न्यूज़ आपको एसटी न्यूज़ चैनल से दी जा रही है खबर। अगर आपको पसंद आए तो हमारे एसटी न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ के साथ दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।